हेलो गाइस, वेलकम टू सिया। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर की। मुझे बहुत दिनों से एक मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदना था। जो मेरा पुराना मिक्सर ग्राइंडर है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने अमेजन पर जाकर देखा तो मुझे ये फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके ऊपर सबसे अच्छी बात रही कि मुझे मिला 5 ईयर्स वारंटी ऑन मोटर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो धमाका ऑफर चल रहा है, ये मैंने रिसीव किया है 3399। इसका जो प्राइस इसमें मेंशन किया हुआ है 4895 रुपीज़, बट ये आपको रिसीव होगी 3399 रुपीज़ की। बहुत ही छोटू सा, प्यारा सा, देखने में बहुत छोटू सा और प्यारा सा मिक्सर ग्राइंडर है, बट ये जिसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसे देखते ही एक बार में पसंद कर लिया था। इसके साथ ही आपको एक वारंटी पेपर भी मिलेगा। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, लग रहा है जैसे एक प्यारा सा छोटा सा रोबोट है। आप इसे कहीं भी आराम से रख कर अपना जो सामान है वो मिक्स मसाले वगैरह वो ग्राइंड कर सकते हैं। ये ज़्यादा स्पेस आपका ज़्यादा प्लेस नहीं लेगी, जगह नहीं घेरती है। इसको क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें फिलिप्स लिखा हुआ है और जो ये स्पीड है 1, 2, 3 का दिया हुआ है। 1 में थोड़ा कम चलेगी, 2 में थोड़ा हाई होगी और 3 में पूरी हाई हो जाती है। आपको जिस तरह से भी मसाले पीसने हैं, थोड़ा दरदरा पीसना है तो 1 पे चलाएं, थोड़ा सा फाइन पाउडर बनाना है तो 2 पे चलाएं, और अगर आप इडली वगैरह का बैटर रेडी करते हैं तो 3 पे चलाएं। मुझे ये 3 जार रिसीव हुए हैं। पहला जार ये चटनी का जार है, इसमें आप चटनी बना सकते हैं, धनिया पत्ता का चटनी भी, कम क्वांटिटी के जो आप मसाले हैं वो भी इसमें आप पीस सकते हैं। 2 या 3 चम्मच के जो मसाले हैं वो भी इसमें आसानी से पीस जाएंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। जो ये दूसरा जार है, इसमें आप इडली वगैरह का बैटर रेडी करने के लिए चावल, बीरी दाल, चना दाल वगैरह पीस सकते हैं। तीसरा जो जार रिसीव हुआ है, वो ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आपके पास चावल वगैरह है तो एक बार में आप पीस सकते हैं। आपको बार बार मिक्सर का जार चलाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सर के लिए आपको ये जो बड़ा वाला जार है वो मिल जाएगा। जो इसकी ब्लेड है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई। ये तीनों स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई है, सुपीरियर क्वालिटी के बनाए हुए हैं। और जो इसका जो लीड से ढक्कन है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बनाया हुआ है। जो ये जो तीसरी वाली ढक्कन मुझे रिसीव हुई है वो ट्रांसपेरेंट है और मुझे ये तीसरी वाली सबसे ज़्यादा पसंद आई। जो भी आप मसाले पीसेंगे वो इसके अंदर से आपको दिखेंगी, फाइन पाउडर बना है या नहीं बना है, बैटर रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। मुझे ये तीनों जार बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, ढक्कन खुलेगा नहीं। इसके अंदर एक बीच में एक होल भी दिया हुआ है जिससे एयर पास होगा। इसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको इस बॉक्स के ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है उसे वो भी इसके बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी, बहुत ही छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका जो वायर है उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो इसकी वायर है उसकी जो लंबाई है वो बहुत अच्छी दी हुई है, वो आसानी से आपके प्लग तक पहुंच जाएगी, स्विच तक पहुंच जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है ये। इसकी जो प्लग है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई हुई है। ये नीचे इस तरह से दिया हुआ है बटन टाइप का, ये आपके जो फर्श वगैरह होता है ना जहाँ आप रखेंगे उसे आप वो आसानी से पकड़ लेता है उसे, और हिल मिक्सर ग्राइंडर को हिलने नहीं देता। ISI मार्क दिया हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील हुआ। तीसरा, इसमें जो हर मिक्सर ग्राइंडर में एक अलग से ऑन ऑफ बटन दिया हुआ रहता है और ये टेस्टेड मिला है मुझे। अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर अचानक से बंद हो जाता है तो स्विच ऑफ करके आप इस पावर बटन को ऑफ कीजिए, ऑन ऑफ कीजिए तो चालू हो जाएगा। इसके नीचे जो ये जाली नुमा दिया हुआ है उससे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर एयर पास होता है तो मोटर बहुत दिन तक जाएगी, अच्छी चलेगी, मोटर गर्म नहीं होगा। मेरे तरफ से बिग थम्स अप है। अगर आपको भी ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।